हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा। आज हम इस वीडियो में 12th क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी कुछ, वो डिफरेंशिएशन के ऊपर थी और हमने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पूरी तरह अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले थे वो थोड़े बहुत याद होने चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। क्या कहा जाता है कि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है, उस डिफरेंशिएशन को अगर हम उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, पलट दें, तो हमारा क्या निकल कर आता है? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट पार्ट होता है वो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन में कौन कौन से फार्मूले होते हैं, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहले अगर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिलेगी इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। तो चलते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर की ओर और देखते हैं क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले बात आती है इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कि इंटीग्रेशन हमारा होता क्या है। तो बात करते हैं इंटीग्रेशन का। तो डिफरेंशिएशन का हमने मतलब क्या बताया था, डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंस, डिफरेंस मींस कोई चीज कम होगी, मींस डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई बड़ी चीज को तोड़कर छोटी बना देना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जैसे हम क्या करते हैं, टीम को इंटीग्रेट नहीं करते हैं, बंदों को इंटीग्रेट करते हैं, उसी तरह इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को जोड़ना, चीजों को इंक्रीज करना, चीजों को बढ़ाना। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को इंक्रीज करना, ये मतलब होता है क्या इंटीग्रेशन का। उसके बाद चलते हैं इसके फॉर्मूलोज की तरफ, की फॉर्मूले कौन कौन से सीखने होते हैं, किस किस चीज का इंटीग्रेशन हमें करना होता है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए, इसका इस साइन का मतलब होता है हमारे पास इंटीग्रेट करना, कि एक्स की पावर ए को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स की पावर ए को जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास एक्स की पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस, क्या मतलब है इसका, जिस तरह हमारे पास x की पावर 9 दे दे और उसका हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो क्या हो जाएगा x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1, तो क्या होगा x की पावर 10 अपॉन 10। तो इस तरह इंटीग्रेशन करेंगे हम x की पावर a, a क्या है हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो x की पावर a का डिफरेंस वो इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। उसके बाद बात आती है कि फिर a की पावर x का क्या होगा। देखो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था हमारे पास, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a की पावर x log a। तो उसी तरह इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a, वहां log a मल्टीप्लाई में था, यहां log a क्या में होगा, डिवाइड में। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, a की पावर x अपॉन log a। उसके बाद चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ, मींस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था हमारे पास, e की पावर x वापिस ही, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम टू सेम e की पावर x, e की पावर x। तो ये थे तीन फार्मूले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब चलते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो याद कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंटीग्रेशन। सबसे पहले बात आती है इंटीग्रेट द साइन एक्स, कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स का देखो वहां हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोस एक्स, या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोस एक्स, क्या होगा माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स। तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो क्या लिखेंगे, माइनस का कोस एक्स। फिर चलते हैं साइन के बाद कोस की तरफ, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा प्लस का साइन एक्स, प्लस का साइन एक्स, यही होगा। देखो अपोजिट चल रहे हैं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये माइनस इस साइड आएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोस एक्स। अब उनको क्या कर रहे हैं, अपोजिट, मींस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। उसके बाद आते हैं टेन, देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेकंट स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास सेकंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिलेगा, टेन एक्स का नहीं मिलेगा, क्या होगा सेकंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, टेन एक्स। देखो वहां क्या होता था, इस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेकंट स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन में सब अपोजिट होंगे, सेकंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स। उसके बाद क्या था, उसके बाद होगा सेकंट एक्स टेन एक्स,
secant x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वह किसका होता था ये secant x का, तो यह इसका इंटीग्रेशन होगा secant x। देखो वह क्या होता था, secant x का डिफरेंशिएशन होता था secant x into tan x, लेकिन यह इंटीग्रेशन होगा secant x tan x का, क्या secant x। उसके बाद आते हैं माइनस cosecant square x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वह किसका माइनस cosecant square x होता था, cot x का, तो क्या होगा cosecant square x का क्या हो जाएगा माइनस cot x। देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस का cosecant square x, अब cosecant square x का है माइनस cot x। उसके बाद आते हैं cosecant x into cot x, cosecant into cot x किसका होगा माइनस cosecant x का, माइनस cosecant x। वहां देखो cosecant x का डिफरेंशिएशन होता था हमारे पास माइनस का cosecant x cot x, या cosecant x cot x होगा माइनस cosecant x का। तो ये हो गए छह, एक दो तीन चार पांच छह, तो ये थे हमारे सिक्स के सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिनके इंटीग्रेशन इस प्रकार होंगे। इनके फार्मूले बिल्कुल ही क्या होंगे, डिफरेंशिएशन से अपोजिट होंगे। जिस बच्चे को ये फार्मूले समझ में नहीं आए, जिस बच्चे को ये फार्मूले याद नहीं हुए, उसे पूरा का पूरा इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये हमारे फार्मूले, तो इन फार्मूलों को जरूर याद करें। अब चलते हैं इनको जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं इनके इनवर्स की तरफ, तो वहां जो इनवर्स अपोजिट होते थे या क्या कर देने हैं, पलट देने हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स की, तो वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका साइन एक्स। देखो हमारे पास क्या होते थे कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन था वो हमारे पास ये मिलता था, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा, क्या होगा साइन एक्स। चलो या नहीं हम या कर लेते हैं, देखो क्या होगा, हमें पता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास साइन एक्स। देखो हमें पता था साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो ये होता था, अब अपोजिट है सब कुछ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स। उसके बाद आते हैं इंटीग्रेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा कोस एक्स, हमें पता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता था कोस एक्स का, तो अब इस माइनस को ले आते हैं या, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होगा कोस एक्स का, ठीक है बात समझ में आई। उसके बाद आते हैं टेन के फॉर्मूले के ऊपर, तो वो क्या होगा वन अपॉन इंटीग्रेट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होगा टेन एक्स का। अब देखो हमें पता है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होगा टेन एक्स का, अब इसके आगे माइनस लगा दे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये किसका होता था कोट एक्स का, अब इस माइनस को साइड ले जाएंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस कोट एक्स का, मीन्स यही फार्मूला होता है टेन एक्स का और यही होता है माइनस कोट एक्स का। अब चार हो गए, ये पांचवा किसका आता था सीकेंट और कोसीकेंट का, तो वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किसका होता था सीकेंट एक्स का, तो यहां इंटीग्रेशन किसका होगा ये सीकेंट एक्स, मींस इसका इंटीग्रेट क्या होगा हमारे पास सीकेंट एक्स। फिर इसको क्या कर देते थे माइनस कर देते थे, मींस इंटीग्रेट वन अपॉन माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किसका होता था हमारे पास कोसीकेंट एक्स का, अब इस माइनस को उस साइड ले जाते हैं तो इसी का क्या होता है माइनस कोसीकेंट एक्स भी फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो ये थे हमारे पास पूरे इंटीग्रेशन के फार्मूले। अब जो 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 टाइप हमारे चैप्टर में आती चली जाएगी हम उस टाइप को सोल्व करते चले जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक पार्ट जो होता है इंटीग्रेशन का, जिससे इंटीग्रेशन की शुरुआत होती है, वो ये फार्मूले होते हैं हमारे पास। वो क्या होते हैं ये, अब देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन में क्या होता था, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वन अपॉन एक्स, यही होता था ना, अब वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स, जहां हमें वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा वो क्या होगा हमारे पास लॉग एक्स। देखो सबका सब कुछ बिल्कुल सबका सब अपोजिट है डिफरेंशिएशन से, मींस डिफरेंशिएशन चैप्टर का पूरा जो अपोजिट पार्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। हमने सारे के सारे फार्मूलोज में सीखा कि डिफरेंशिएशन के अपोजिट फार्मूले हमें मिल रहे हैं, तो जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद है ये सब, उनको सिर्फ अपोजिट कर देना, मींस वो पार्ट इधर कर देना, वो सब फार्मूले हो जाएंगे किसके इंटीग्रेशन के। इसलिए कहते हैं कि इंटीग्रेशन सीखने के लिए सबसे पहले सीखो डिफरेंशिएशन।
तो ये था इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक पार्ट। अब कुछ मैं आपको इसके क्वेश्चंस करा के दिखाता हूं कि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी एलिमेंट बुक की, उसमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूले। तो जिस बच्चे को ये फार्मूले याद होंगे उसी बच्चे को इंटीग्रेशन चैप्टर समझ में आएगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं इन फार्मूलों का कैसे यूज करेंगे हम उन क्वेश्चनों में। तो हमने इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक जो फार्मूले थे वो सीख चुके हैं। अब चलते हैं हमारी एलिमेंट बुक की पहली एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि उन फार्मूला का हम कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इन सबको इंटीग्रेशन करना होगा। देखो हमारे पास जब ये dx मिलता है ना तो उसका मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह सोल्व होंगे ये क्वेश्चन। तो पहला पार्ट है हमारे पास जैसे 1/3x + 2 और उसकी पावर है हमारे पास 1/3 dx। इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इस, देखो ये नीचे की पावर है, इसको ऊपर ले जाते हैं एक बार, तो क्या होगा 3x + 2 जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 1/3 माइनस में हो जाएगी, तो -1/3 dx ये लिख सकते हैं। अब देखो ये पूरा मान लिया हमारे पास x है और x की पावर क्या है a, तो x की पावर a का फार्मूला क्या होता था, x की पावर a+1/a+1 x की पावर a, उसका क्या फार्मूला होता था हमारे पास, x की पावर a+1/a+1 यही होता था। मींस इस पावर में 1 जोड़ देते थे ऊपर भी और नीचे भी। तो करते हैं इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखो सबसे पहले क्या करेंगे 3x + 2 एज इट इज, और इसके क्या हो जाएगा -1/3 में 1 ऐड कर देंगे ऊपर भी और -1/3 में 1 ऐड कर देंगे नीचे भी। तो क्या होगा 3x + 2 एज इट इज, जब एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 3 में से 1 जाएगा 2, क्या जाएगा 2/3 और अपॉन क्या होगा 3 3 में से 1 2/3, तो उसको क्या लिख सकते हैं 3/2। और अब एक चीज और देखो कि अब इस फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, बात याद रखना इस पूरे उसका तो क्या होता है इंटीग्रेशन, और जो अंदर का हमारा फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं। तो क्या होगा 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 और 2 का 0, तो 3x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या आया 3, और उस 3 को क्या लिखेंगे डिवाइड में, तो इस 3 को लिख दिया डिवाइड में, 3 से 3 कैंसिल क्या आया 1/2 3x + 2 और उसकी पावर 2/3। बात समझ में आई, बात यह है कि हमारे पास इस पूरे फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होगा लेकिन जो अंदर का पार्ट होता है इस पावर के अंदर का फंक्शन, उस फंक्शन का क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन, और उस डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डिवाइड में। वहां डिफरेंशिएशन करके क्या लिखते थे मल्टीप्लाई में, या डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे डिवाइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, इसका ध्यान से समझना क्वेश्चनों को, -3x + 4 dx का इंटीग्रेशन करना होगा। अब इसको इंटीग्रेस करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इनको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, जैसे x²dx - 3x dx + 4 dx मींस अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इनको, पार्शियली इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। तो क्या होगा देखो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें पता है पावर में 1 ऐड हो जाएगा, क्या होगा x की पावर 2+1/2+1 यही होगा, और इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 को डिवाइड में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं माइनस 3 एज इट इज कांस्टेंट है हमारे पास, x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर 1 में ऐड करेंगे तो 1+1/1+1। देखो x की पावर 1 है, हमें पता है किसी की भी पावर ना दे रखी हो तो उसकी पावर कितनी होती है 1, उस 1 में 1 ऐड करेंगे, नीचे भी 1 में 1 ऐड करेंगे प्लस। अब देखो ये 4 एज इट इज क्या है, इस 4 को बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो 4 क्या था, कांस्टेंट था, अब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाता है कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ x, तो क्या होगा 4 × x। बात समझ में आई, अब इनको अलग अलग करके लिख देते हैं, क्या होगा 1/3 x³ - 1/3/2 x² + 2 प्लस में 4x और प्लस में c, यहां भी लिखने भूल गए हमें प्लस में c। अब ये c क्या होता है हमारे पास, c को नाम देते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और इस c के बिना हमारा क्वेश्चन अधूरा सा मिलता है। हम पूरा आंसर निकाल के प्लस में c जरूर लिखेंगे, इस c का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इसके बिना हमारा पूरे मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में, तो इस सी को लिखना ना भूलें जैसे मैं भूल गया था पिछले क्वेश्चन में, प्लस में सी जरूर लिखे हमारे
क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, कह रहा है इंटीग्रेट, देखो इसको पार्शियली अलग अलग लिख लेते हैं, क्या होगा इंटीग्रेटिंग e की पावर 3x और dx, और प्लस में टू कॉन्स्टेंट हमारे पास इंटीग्रेटिंग e की पावर x dx, माइनस में इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन x dx, अलग अलग करके लिख लिया हमने। अभी अलग अलग को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, e की पावर x, तो e की पावर 3x, लेकिन अब इस e की पावर है जो उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, और 3 को क्या लिखेंगे डिवाइड में, तो e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस 2 हमारे पास कांस्टेंट, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा वापस e की पावर x माइनस, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बताया था आपको क्या होता है log x, तो क्या लिखेंगे माइनस log x, और प्लस में c, इस c को मत भूलना हमेशा, क्या होगा log x प्लस में c। अब रह गया हमारा फोर्थ पार्ट, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, या कर लेंगे हमारा फोर्थ पार्ट, इसको क्या कर देते हैं रब कर देते हैं एक बार। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x माइनस कोट x इंटू dx, इसको क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा। तो सबसे पहले इस कोसिकेंट x के अंदर क्या करा लेते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्या होगा इंटीग्रेट कोसिकेंट x की कोसिकेंट x के साथ होगी कोसिकेंट x स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट की कोट के साथ होगी माइनस कोसिकेंट x, कोट x हो जाएगा यही होगा। अब इनको अलग अलग क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, मींस इसका अलग और इसका अलग। अब हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास माइनस कोट एक्स, तो क्या लिखेंगे यहां माइनस कोट एक्स, और माइनस कोट एक्स इंटू कोसिकेंट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, तो क्या लिखेंगे यहां माइनस का कोसिकेंट एक्स। अब देखो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो इस प्लस को पहले लिख लेते हैं कोसिकेंट एक्स, और माइनस में कोट एक्स, और प्लस में सी, तो ये आया हमारा आंसर पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन हमें सोल्व करा रहे हैं। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या कह रहा है इंटीग्रेट x प्लस 1 की पावर क्यूब अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, यही है हमारे पास। अब देखो इस x प्लस 1 की क्यूब है हमारे पास, अब हमें पता है a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यहां लिख देते हैं a प्लस बी और उसकी क्यूब, इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहां ए प्लस बी की क्यूब का फार्मूला खोलते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा देखो ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वन की क्यूब प्लस 3ab मींस 3 इंटू एक्स इंटू वन, और इंटू में ए प्लस बी मींस एक्स प्लस वन, और अपोन है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही हमारे पास। अब देखो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, x की क्यूब अलग, देखो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, देखो पहले तो लिख लेते हैं एक बार x क्यूब 1 की क्यूब क्या होती है प्लस का 1, देखो 3x इनटू में क्या हो जाएगा x प्लस 1 और dx अपॉन x स्क्वायर। अब देखो अब इनको क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे, सबसे पहले देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x को x के साथ 3x स्क्वायर, और प्लस में 3x को 1 के साथ 3x, यही होगा मींस इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 3x को x के साथ 3x स्क्वायर, 3x को 1 के साथ 3x। अब इनको अलग अलग ये x स्क्वायर है हमारे पास और डिवाइड का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इनको पार्शियली डिवाइड, इन सब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड, फिर प्लस 1 को x स्क्वायर से डिवाइड, फिर 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड, और फिर प्लस 3x को x स्क्वायर से डिवाइड, और सबके साथ क्या है dx। अब देखो x स्क्वायर से ये पावर कट कैंसिल, सिर्फ एक पावर बची, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इस x से एक x पावर, तो क्या बचा हमारे पास आया x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये कैंसिल प्लस का 3 एज इट इज इंटू dx,
प्लस में 3 एज इट इज 1 अपॉन x इनटू dx। समझ में आई? अब इनको सबको पार्शियली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इनको पार्शियली यहां इंटीग्रेट कर देते हैं एक बार। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर / 2 मींस 1 पावर ऐड। तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर / 2 प्लस, अब देखो 1 अपॉन x स्क्वायर है, इस 1 अपॉन x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। अब -2 में 1 ऐड करेंगे क्या बचेगा, -x, तो x की पावर -1 बचा और अपॉन भी आया -1 प्लस 3 एज इट इज कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल क्या बचा x प्लस 3 एज इट इज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो क्या लिखेंगे, 3 log x। क्या बचा हमारे पास, देखो 1 बाई 2 x स्क्वायर, ये माइनस 1, ये पावर नीचे आ जाएगी तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन x प्लस 3x और प्लस में 3 log x और प्लस में c। ये क्या है, c हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मींस सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्या है हमारा सेकंड पार्ट, देखो क्या कह रहा है, x प्लस 1 अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और इंटू में है dx। इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो सबसे पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो x की पहले इन दोनों के साथ, तो क्या होगा, x की x स्क्वायर के साथ x क्यूब, फिर x की 1 अपॉन x स्क्वायर के साथ, तो x से इसकी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 1 अपॉन x। फिर बारी आई 1 अपॉन x की, तो 1 अपॉन x की जब x स्क्वायर के साथ होगा तो x से 1 पावर कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन x की 1 अपॉन x स्क्वायर के साथ क्या होगा 1 अपॉन x क्यूब और इनटू में dx। अब इनको पार्शियली क्या करेंगे, इंटीग्रेट। देखो x की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 ऐड हो जाएगी, मतलब x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो क्या हो जाएगा log x प्लस x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 में 1 ऐड करेंगे, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस, ये देखो x की पावर क्यूब है, इस x की पावर क्यूब को लेके कहां ले जाते हैं ऊपर, तो x की पावर -3 हो जाएगा, x की पावर -3 में 1 ऐड करेंगे क्या बचेगा -2, तो क्या लिख सकते हैं x की पावर -2 अपॉन -2। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे क्या होगा, 1 अपॉन 4 x की पावर 4 प्लस log x प्लस 1 बाई 2 x स्क्वायर और ये पावर नीचे चली जाएगी और माइनस है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1 अपॉन 2 x की पावर 2 और प्लस में c। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट का आंसर, क्या निकला हमारे पास, 1 अपॉन 4 x की पावर 4 प्लस log x प्लस 1 बाई 2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस में c। तो ये थे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन और इस पूरे के पूरा चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक फार्मूले। आपको अगली जो आगे सीखेंगे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उनमें ये फार्मूले ही यूज होंगे, तो इन फार्मूलों को अच्छी तरह याद करें। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चनों में दिक्कत हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगला कुछ सीखेंगे हमारी अगली वीडियो में।